गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे जो वेरियस डांस फॉर्म्स होते हैं जिसमें हमने क्लासिकल डांस हमने उससे पहले वाले वीडियो में समझ लिया था, और लास्ट जो भी कल के वीडियो में हमने फोक डांस जो थे इनके बारे में हमने जान लिया। ओके, आज हम पढ़ेंगे म्यूज़िक के बारे में। ओके, अब जो लाइक जैसे डांस है वैसे म्यूज़िक जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई गुनगुनाता है जब भी कोई खुश होता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके रीजनल वेरिएशन भी है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग बोली बोली जाती है, मतलब लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, हर एक प्रांत की अपने अलग उनकी लैंग्वेज है, तो उन प्रांतों के भी अपने खुद के कुछ गीत होते हैं जिसको कि हम लोक गीत गीतों के नाम से जानते हैं, रीजनल सॉन्ग्स के नाम से जानते हैं, है ना। और ये गाने दोनों ही फॉर्म में है, कुछ क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक में और कुछ फोक फॉर्म में। क्लासिकल म्यूज़िक में जो होता है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सुर ताल उनके साथ गाना पड़ता है। फोक म्यूज़िक कोई भी गुनगुना सकता है, आप अगर खुश हो तो आप गुनगुना सकते हैं, अंताल छड़ी खेल रहे हो तो उसमें आपको जो आप म्यूज़िक गा रहे हो वो फोक म्यूज़िक में आ जाएगा, जिसमें आपको कोई रूल और रेगुलेशन नहीं देखने पड़ते, जस्ट यू आर जब वेन यू आर एन्जॉइंग तब आप उस गाने को गा सकते हैं। ओके, सो अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक हम स्पेशली इसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंटली, तो क्लासिकल म्यूज़िक इंडिया में दो अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है, मतलब टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक है, एक होती है हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड सेकंड वन इज़ द कर्नाटिक म्यूज़िक। और जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को हम शास्त्रीय संगीत के तौर पे भी जानते हैं, और ये लगभग जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज़ में इन द नॉर्दर्न पार्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर हिंदू शास्त्रीय संगीत ही सिखाया जाता है, जिसकी सरगम जो होती है सारे गामा का। ओके, और जो यहाँ पर जो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक के और शास्त्रीय संगीत के म्यूज़िक के, उन इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी अलग होते हैं। जैसे कि हम गोल्ड प्रोजेक्टर में सबसे पहली इमेज हम देख रहे हैं वो हारमोनियम की है। ओके, हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेशली शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए यूज़ किया जाता है। देन कम्स सरोद। ओके, सरोद कुछ इस टाइप का होता है जो कि यूज़ किया जाता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। ओके, इनके अलावा और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है सितार हो गया। ओके, देन सारंगी जो यूज़ होती है वो भी शास्त्रीय संगीत में ही की जाते हैं। सारंगी एक फॉर्म है, अब वायलिन का जब उसे वायलिन जैसे वेस्टर्न फॉर्म है, जैसे इंडियन फॉर्म में सारंगी जो है कुछ इस तरीके से देता है, हमारे इंडियन फॉर्म ऑफ वायलिन हम बोल सकते हैं। देन कम शहनाई। ओके, शहनाई आप सभी ने देख रखी होगी। ओके, इस टाइप की है, पहले के समय पर शादी में बहुत बजाई जाती थी। ओके, देन तबला, ये भी आप सभी ने देख रखा है। ओके, देन तो ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और शास्त्रीय संगीत। देन कम्स द कर्नाटिक म्यूज़िक और द कर्नाटका संगीत। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ संगीत है जो कि अब अभी तक हमने हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में जान लिया था, अब हम कर्नाटिक म्यूज़िक जो कि कर्नाटका म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे साउदर्न मोस्ट जो पार्ट है हमारे इंडिया में, साउथ की जो स्टेट्स है चाहे वो आंध्र हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु, इन जगहों पे किया जाता है, मतलब इन जगहों पे इस सॉन्ग की प्रैक्टिसेस या उन जगहों पर गाया जाता है। इनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ की जाते हैं, सबसे पहला जो ये आपको इमेज दिखी है घातम की दिखी है, घातम जो कि जैसे एक अर्दन पॉट होता है, उससे जो वहाँ के जो म्यूजिशियन होते हैं इसको बजा के इससे जो मधुर आवाज़ निकालते हैं, ये कर्नाटिक म्यूजिक में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इनके अलावा कंजीरा। ओके, कंजीरा एक ऐसे छोटा सा जिसको कंजीरा बोलते हैं इसको, जो कि यूज़ किया जाता है अगेन इन द कर्नाटिक म्यूजिक। देन कम्स मोरसिंग, जो कि मुंह से ही बजाई जाती है। ओके, इन द हैक ऑफ योर माउथ एंड योर हैंड, ये साउथ में सबसे सदर्न म्यूजिक या कर्नाटिक म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है प्रोमिनेंटली। वेणु, या फिर इसको हम बांसुरी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में फ्लूट भी बोलते हैं, वेणु भी बोलते हैं, इसका जो एक्चुअल जो नेम है वेणु है, ये साउथ से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन हुआ था, यूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, कर्नाटिक एक कर्नाटिक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है।
देन कम्स द वीणा एंड द चित्रवीणा। वीणा कुछ इस टाइप से होता है एंड चित्रवीणा इज ऑल्सो सेम बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि इसके दोनों हिस्सों में ये वाला पोर्शन होता है। ओके, वीणा एंड चित्रवीणा। ओके, इन दोनों की खासियत दे आर वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है किसी म्यूजिशियन को उनको बजाने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको सीखना, ऐसा माना जाता है। अब ये जितने भी जो म्यूज़िक है बेसिकली ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, इसमें इन इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूज़िक बनता है वो यूज़ किया जाता है। जब भी कोई डांस फॉर्म होता है तो वहाँ पर इस टाइप के जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स देखें इनका यूज़ किया जाता है फॉर द डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांस। ओके, अब कुछ जो हमारे वेरियस रिचुअल कल्चर तो है ही सही हमारा फॉक म्यूज़िक का, तो कुछ ऐसी हर एक कम्युनिटी जो होती है, अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी होती है उनके अपने खुद के फॉक डांस और म्यूज़िक होती है। तो जो फॉक म्यूज़िक जैसे मैंने आपको बताया था, शादी ब्याह हो या किसी हम किसी का जन्म हो रहा है किसी त्यौहार में, हम उससे ज़्यादा फॉक म्यूज़िक गाया जाता है। वैसा ही एक फॉक म्यूज़िक है भाई ताली, जो कि जो मछुआरे होते हैं बंगाल के वो गाते हैं जब लो टाइड्स रहती है, जब मतलब समुद्र में जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं होती, लो टाइड्स होती हैं, तब वहाँ के जो मछुआरे होते हैं इस भाई ताली गाने को गाते हैं। इनके अलावा एक पंडवानी है जो कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इस म्यूज़िक या उस फॉक म्यूज़िक को गाया जाता है। इसके अलावा एक बिहू गीत होता है जो बेसिकली जो बिहू डांस के साथ किया जाता है, जब बिहू डांस होता है तो उसमें बिहू गीत गाया जाता है जो कि अगेन है फॉक म्यूज़िक का एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 15 है आवर कल्चर या सॉरी आवर हेरिटेज, ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें हमने सबसे पहले हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जाना, देन द डांस फॉर्म जिसमें हमने क्लासिकल डांस फॉर्म एज वेल एज द फॉक डांस के बारे में जाना, और आज हमने म्यूज़िक जो था दो अलग फॉर्म्स में जो हमारे यहाँ म्यूज़िक अवेलेबल है, एक है हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जिसको कि हम शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो साउथ में जो साउथ के जो स्टेट्स में जो म्यूज़िक यूज़ किया जाता है उसको हम कर्नाटिक म्यूज़िक कहा जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिनेशन कर्नाटक से हुआ था और जितने भी हमारे सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पर कर्नाटिक म्यूज़िक यूज़ किया जाता है। इन दोनों ही म्यूज़िक में डिफरेंसेस बहुत अलग अलग होते हैं ओके। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले इम्पॉर्टेंट जो इसमें अलग होता है इनमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं जिसके हमने आज इमेजेस देखी। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।